Hi guys, you're on Tea with Thakurs. This is Vaishnavi. And this is Vaibhavi, and you're watching episode 2. So Vaishnavi, how has your week been? I think this week has been very exciting and very stressful also at the same time. So we did a very big project theek hai is hafte mein, and this is something we had never done. Insta family ko shayad pata hoga. I'm so excited to edit it and for you guys to also see it. Epic hone wala hai. Matlab, we can't contain our excitement. Matlab, even when she's editing the video, I'm like, please jaldi kar. I'm like in a hurry to release that video. Food challenge for you all. But I think wo pura stress होता है ना, like anticipation when you're taking up a big project. I think that's what the week was about. And at the start of the week only मुझे पता था कि मेरा मतलब office में भी कुछ important चल रहा है project, and यहाँ पर भी मुझे ये करना था, तो I was like, oh my god, कैसे होने वाला है. नींद नहीं आ रही थी हमको रात में. हाँ, थोड़ा सा idea दे देते guys कि क्या होता है. like आज Monday है. So Monday to Friday उसका ऑफिस होता है, बिकॉज यू गाइज नो इफ यू वॉच्ड एपिसोड 1 दैट शी इज वर्किंग. सो Monday to Friday इज मोस्टली एडिटिंग एंड कॉन्टेक्टिंग डिफरेंट एजेंसीज, लुकिंग फॉर कोलैबोरेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड सैटरडे संडे इज मोस्टली शूट. हमने परसों ही शूट किया था. And yesterday we took a break because, oh my god, it was so tiring. Yeah, it was very tiring. We also got our cousin at our place, right? And itne maze aaye na, matlab for the first time Mumbai mein aake humne aise पूरी रात पार्टी टाइप करी है. बहुत ज्यादा मजे आए थे कल. अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि फूड ब्लॉगर लाइफस्टाइल क्या होती है. दैट्स व्हाट यू गाइस वांटेड टू नो. मुझे बता कि शूट से पहले तुझे क्या फील होता है. मोस्टली इट इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड थोड़ा नर्वस भी फील होता है, बिकॉज बहुत स्ट्रेस होता है यार कि मतलब सारे सीक्वेंसेस हो जाने चाहिए, डेलाइट होनी चाहिए, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहां पे रेस्टोरेंट हमको बाहर ना निकाल दे. अरे हाँ, ये ना एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अच्छा तुम लोग फूड ब्लॉगर्स हो ना, तुम्हें क्या करना है, जाके बस खाना ही तो है. कांट बी मोर रॉन्ग गाइस. देयर आर सम रेस्टोरेंट्स हु मतलब उनकी भलाई के लिए हम शूट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं. इवन देन दे आर लाइक, we'll have to ask our marketing manager, we'll have to ask our this person, that person. So annoying. करते 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 इतना time लग जाता है, and then the entire shoot gets delayed. So we have to talk to them like 2-3 days before or maybe a week before, and then plan. And the biggest challenge we are facing right now is that उसका working होता है Monday to Friday and Saturday Sunday rush होता है. So restaurants like भगा देते हैं कि भाई आज Saturday Sunday आज तो shoot मत करो. तो काफी लगती है guys. तो एक बात बता, जब हम ready होते हैं ठीक है, जब हम मेकअप वेकअप कर रहे होते हैं, तू मेकअप क्यों करती है? तू मेकअप के बिना क्यों नहीं जाती कैमरा के सामने? आई थिंक मेकअप इज लाइक, मतलब मैं जाना चाहूँ तो मैं विदाउट मेकअप भी कैमरा के सामने जा सकती हूँ, बट एक मेकअप से ना यू लुक अ लिटिल मोर टाइडी. मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना कैरेक्टर में आ जाते हो. हाँ, कैरेक्टर में भी आ जाते हो. लाइक यू बिकम लाइक अ लिटिल मोर बबली एंड यू फील लाइक यू आर लाइक एन एक्ट्रेस एंड शिट लाइक दैट. या तो ऑनेस्टली ऐसा फील होता है, बिकॉज़ आपने वीडियोस देखे हैं हमारे गाइस, हम काफी ड्रामा करते हैं. तो वो ना ड्रामा विदाउट मेकअप ना ऐसे निकल नहीं आता. मतलब थोड़ा सा गेटअप वेटअप करते हैं, थोड़ा सा जाते हैं ऐसे माइक वाइक लगा के, तो एकदम ऐसे फील आती है कि गाइस आप देखोगे फूड चैलेंज में क्या खा रहे हो, मतलब वो वाला लाइक बाहर निकल आता है. प्लस आई ऑल्सो थिंक दैट मेकअप से कॉन्फिडेंस आता है. मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन पहले अगर मुझे अंडर आई क्या बोलते हैं उसको, डार्क सर्कल्स अगर हो रहे हैं, तो आई वॉन्ट कि मैं थोड़ी सी मतलब डार्क सर्कल्स मेरे ना दिखे. ऐसा लगता है ना कि अरे ये बंदी सोई नहीं है क्या, ये बंदी क्या कर क्या रही है, पिट के आई है, ऐसे मतलब शक्ल हो जाती है बहुत बार जब यू डोंट गेट प्रॉपर. इसलिए गंदी दिखती है विदाउट मेकअप. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब खुद ही बोल रही है कि ऐसा लग रहा है पिट के आई है. नहीं नहीं मतलब इतनी गंदी नहीं दिखती गाइस मेकअप. नहीं आई कैन वाउच फॉर इट. नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं. सो एक आपको चीज बताना चाहता है ठीक है, हम जब मेकअप करते हैं तब वी हैव दीज डीप कॉन्वर्सेशंस अबाउट लाइफ, लाइक क्या है लाइफ एंड व्हाट हाउ इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज. क्या है लाइफ नहीं, क्यों है लाइफ. इसका हमेशा वहां से शुरू होता है कि दी, एंड व्हेन शी सेज दी ना मैं समझ जाती हूँ कि यार कुछ तो डीप कॉन्वर्सेशन होने वाला है. शी सेज दी क्या है लाइफ में, क्या करने वाले हैं हम आगे का फ्यूचर क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर क्यों ऐसे जो सवाल होते हैं ना, इट काइंड ऑफ इंस्टिगेट्स अ काइंड ऑफ लाइक ऐसे एक सायरन बजने लगता है, पा, 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 कुछ खराब होने वाला है, आज का शूट कैसे जाने वाला है, एंड एकदम मुंह लटका के हम फिर शूट करने जाते हैं उन दिनों. बट स्टिल वी ट्राई कि जो हम फील कर रहे हैं एक्चुअली लाइफ में
वो हमारे ऑन कैमरा रिफ्लेक्ट ना हो। एक चीज मैं बता जाऊंगी, मेकअप के बाद सबसे ज्यादा जो मूड खराब होता था तेरी वजह से मेरा, दैट वाज बिकॉज ऑफ अ गाय शी वाज डेटिंग। It was perfect. It was so bad. It was so bad. मतलब it the relationship was so toxic and it was just like. Hey! Shut up! What it was? इसके ऊपर बात अभी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा अलग, मतलब मैं इसके ऊपर अलग से एक एपिसोड बना के रैंट कर सकती हूँ, how she was not supposed to go in the relationship in the first place. ठीक है. कुछ है तेरे पास कहने को? मुझे ऐसा लगता है कि दैट पर्सन कुड बी वॉचिंग द वीडियो, लाइक वी हैव ब्रोकन अप नाउ, सो मूविंग ऑन। हैव यू व्हाट मूव्ड ऑन? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यू हैव नॉट मूव्ड ऑन, यू बेटर मूव ऑन। या या ठीक है, आई डोंट वांट टू हर्ट समवनस फीलिंग्स। अच्छा, सो यू आर जस्ट सेइंग दैट यू हैवंट मूव्ड ऑन बिकॉज़ ही माइट बी वॉचिंग। या दैट्स पिटी मूविंग ऑन वाला थिंग। What the fuck is happening? Can we talk about the food blogger lifestyle that we were talking about? ठीक है. This is one of the challenges that we face, कि we have to hide our like real emotions, what we are feeling when we are shooting in front of the camera. Second thing that happens is during the shoot, बहुत चीजें fuck up होती है. सबसे पहले तो मुंबई में shoot करना is like oh my god, इतना humid. मुंबई की बात नहीं है ये, तूने ऑब्जर्व किया दिल्ली में भी जब हम शूट करने जाते थे कभी गर्मी में हमारा मेकअप पूरा मेल्ट हो जाता था, बाल चिपक जाते थे मुंह पे, लू आती है जब दिल्ली की तो लू मतलब बहुत ही गंदी है तो उसमें पूरा ऐसे स्किन जल जा रही है और हम बाहर स्ट्रीट फूड में ट्राई कर रहे हैं कि हम मतलब अच्छा से दिखाए खाना, और हाँ जैसे ही प्लेट आती है हाथ में यू नीड टू लाइक शूट एट द मोमेंट उसी टाइम पे, अदरवाइज फोटोज वगैरह खींचने में ना बहुत हमारा वो हो जाता है कि मतलब पूरा पिज्जा ठंडा हो गया, ठीक है अब चीज पुलाना नहीं है। आइसक्रीम इज द टफेस्ट फूड आइटम टू शूट बिकॉज इट मेल्ट लाइक दिस। वेदर बहुत ज्यादा फकअप का देता है क्योंकि कभी बहुत तेज अगर हवा चल रही होगी तो तुम खा रहे हो तुम्हारे मुंह पे पूरे ऐसे बाल आ रहे हैं, सो दैट हैपेंस। सो इट्स नॉट ऑल दैट इजी। व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि ऐसा नहीं कि फोन लेके जाओ घर पे जो कुछ बना रहा है या फिर बाहर जो कुछ भी बना रहा है बंदा उसका बस लो कि अच्छा ऐसे बना रहा है और ऐसे ठूसो, बिकॉज वी आर लाइक अ लिटिल मोर पर्टिकुलर अबाउट हमारे एंगल क्या होना चाहिए, फूड किस एंगल से शूट होना चाहिए एंड वो टेम्पटिंग दिखना चाहिए। अगर हम मोमो भी तोड़ रहे हैं तो आपका ना मतलब ऐसे पानी आना चाहिए कि भाई ये मोमो की चटनी, और ऐसे धीरे धीरे वी लाइक टू बी अ लिटिल मोर परफेक्ट इन दैट। Another question that I think people had was how do we manage the food cost? मतलब आपको लगता होगा ना कि food blogger है भाई, इनको तो सब free में खाना मिलता है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि हम like we'll walk into the restaurant, they'll be like oh my god आप आए हैं ये लीजिए free का खाना, ऐसा नहीं होता guys. We wish but it doesn't happen yet. So basically we have to pay for the food that we show in our videos. And fine dining में तो pay करना ही पड़ता है। प्लस आप ये बताओ भाई स्ट्रीट वेंडर्स से क्या हम मांगेंगे, हम स्ट्रीट वेंडर्स को कैसे बोले कि भैया आप ना आपकी मार्केटिंग हो रही है, हाँ, है क्या हाँ, वहां तो पैसे जाने ही जाने हैं, फाइन डाइनिंग वाले भी लूट ही लेते हैं। So, इसको हम मैनेज ऐसे करते हैं दैट यू गाइस नो दैट शी हैज हर जॉब, सो काफी फाइनेंसिंग जहां से आती है वो इधर से आती है, and we've discussed this before also that we are also earning from YouTube. हाँ, so YouTube के मतलब जो भी payment आती है YouTube एक video से that covers the cost of the food. Many times ऐसा भी होता है कि जो restaurant है वो हमें बोल रहा है कि आप आओ और आप shoot करो, हम सारी dishes अपनी तरफ से provide कर रहे हैं आपको, in addition वो हमें coolers लाके दे रहे हैं, milkshakes लाके दे रहे हैं, so some days are really good that way. तो कुछ restaurants हमें बहुत VIP treatment मिली है। Oh, you remember that one incident, कुछ restaurants ना बड़े चिंदी होते हैं, बड़े गंदे होते हैं, I'm not gonna name that, but we did a brand deal with a restaurant, उनको हमने promote किया था, and the cost that we decided on for the sequence was 2500, okay, and then मैंने एक उनको video link वगैरह भेजा था, आप check वेक कर लो, and upload होने के 20 minutes पहले he was like हाँ मैं करता हूँ payment करता हूँ then I was like भाई video release होने वाला है payment process करो, उसके बिना वरना हम video release नहीं कर सकते, तो he is like मैम कुछ कम नहीं हो सकता इसमें, हाँ I was उस like, time पे negotiate कर रहा है सही में, मतलब पूरा video खत्म हो गया, मतलब सब कुछ everything is ready, he has approved the video, deal सब final हो गया, उसके बाद कुछ कम कर दो ना मैडम, then I was like नहीं अब कुछ नहीं कम कर सकते।
तो ही थॉट दैट ही कैन यू नो एक्ट कूल या पता नहीं क्या, पता नहीं क्या ईगो, व्हाट द गाली देने का मन कर रहा है। सही में ही ट्रांसफर्ड 2499 इन आर अकाउंट। बात एक रुपए की नहीं है गाइस, बात है इंसल्ट की। हाँ। इज्जत मतलब एक होता है ना कि यार तुम अच्छा तुम्हें एक रुपए इधर से उधर कर रहे तो 2501 भी तो दे सकते हो यार। हाँ। और वैसे भी हम 101 चढ़ाते हैं ऐसा कुछ करते हैं ना। हाँ। अगर हम किसी को देते भी है तो एक रुपया एक्स्ट्रा देते हैं फॉर गुड लक और समथिंग। व्हाट इज 2499? अब उसको मैं ये भी नहीं बोल सकती ना कि 2500 ट्रांसफर करो, मतलब एक रुपए कम दिया आपने, ऐसे तो मैं बोल नहीं सकती। हाँ मतलब ऐसे भी बहुत ज्यादा चिंदी लोग मिलते हैं इन द इंडस्ट्री, सो यू जस्ट हैव टू लाइक दिल पे पत्थर रख के यू जस्ट हैव टू कन्विंस योरसेल्फ नो नो व्हाट वी आर डूइंग इज द बेस्ट। हाउ कैन वी फॉरगेट दिस यार। फूड ब्लॉगर लाइफस्टाइल में तुझे क्या लगता है कि तेरा डाइट कैसे? बिकॉज मेनी पीपल हैव आस्क्ड कि आप इतना उल्टा सीधा खाते हो, इतना सारा 24 आवर्स का फूड चैलेंज करते हो, तो क्या पूरा खाना खत्म करते हो? कैसे कैसे खा लेते हो? बहुत लोग पूछते हैं। सो हाउ इट अफेक्ट्स आवर पर्सनल लाइफस्टाइल? सो टू बी ऑनेस्ट गाइस, वी डू 24 आवर फूड चैलेंजेस, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि हम पूरा खाना खा सके। हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा खाना होता है, ठीक है? वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज एपेटाइजिंग, दैट इज व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ डिशेस इन द सीक्वेंसेस, बट वी डोंट ईट ऑल ऑफ इट। अगर हमें जेन्युइनली भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो सपोज 5 पैनकेक्स हमने लिए है, बिकॉज इट लुक्स एपेटाइजिंग, आपको देखने मजे आते हैं कि यार पैनकेक्स के साथ मेपल सिरप एंड ऑल ऑफ दैट, तो हम वो सब लेते हैं। मगर यार एक बंदा इतना खाना खा नहीं सकता है, खाना भी नहीं चाहिए, इट इज नॉट हेल्दी ऑल्सो। सो सपोज इसने ब्रेकफास्ट में 2 पैनकेक्स खा लिए, बाकी 3 हम पैक कर लेते हैं एंड देन वी गिव इट टू द हंग्री किड्स because they see us eating and वो कभी मांगते हैं तो हम उनको दे देते हैं, otherwise we go specially and we distribute it to the people who actually need it. After shooting a food challenge, ऐसा नहीं होता है कि भाई 24 hours food challenge कर लिया अब अगले दिन एकदम मतलब dieting वाइटिंग कर लेते हैं, that's not possible. What happens is that we get really affected by the junk food that we eat because it's scientifically proven when you have too much like junk food, it messes the chemistry of your brain, it affects your mood. So all of these things happen and that is like the risk wrapped around this profession. Yeah. And it kind of, you know, it makes you get addicted to that kind of lifestyle. Jitna aap explore karoge, utna you'll be aware ki are itne sare options hai market mein, to aap jaake order kar loge. But we have been consciously trying ever since we have started this channel ki hum aisi galti na kare, hum weekdays mein at least you know healthy khana khaye. You remember we did this 30 day challenge last year? Instagram pe humne pura matlab usko record bhi kiya tha. 30 days mein humne literally bahar se khana bahut kam kiya tha aur ek baar hum bahar gaye bhi the khane aur humne vegan khana khaya tha. We went to a vegan restaurant and we worked out in the gym. Yeah. 1 hour daily for 30 days. Even at home, workouts also. So we did try to like maintain balance throughout the 2 years. But लेकिन ऐसा नहीं अभी तक हम कर पाए कि you know regularly workout कर रहे हैं पूरा Monday to Friday, मतलब जब shoot नहीं है तब एकदम healthy खा रहे हैं. We have not been able to do that, but हम कोशिश कर रहे हैं. Every day we try that you know we restrict our diet to healthy foods. Maybe one day we'll be able to like share our weight loss journey. Yeah. Soon. तो थोड़ा सम अप करते हैं. Just tell me what do you think are the 3 most like positive things you feel about being a food blogger or a YouTuber? क्या मैंने ज़्यादा negative बोल दिया क्या आज के video में? मुझे लग रहा है मैंने काफी rant किया है. और दिल का दुख सारा बाहर आ गया इस video में. बहुत necessary था, लेकिन पता है क्या है, आपको दिखता जो है ना उसके पीछे बहुत कुछ होता है. मतलब वो ना एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट नहीं होता है, वैसा है डोमिनोज. हाँ देखो ये है गाइस इफेक्ट फूड ब्लॉगिंग का. डोमिनो बोला कि डोमिनोज ही सुनाई देता है. पॉजिटिव चीजें क्या है फूड ब्लॉगर बनने के? सबसे पहली चीज तो मुझे क्या लगता है, इतनी अलग अलग और अनोखी सी रेसिपीज मैंने ट्राई करी है ना. मतलब आई यूज्ड टू बी अ पर्सन हु नेवर यूज्ड टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ शिट इन द किचन, ठीक है? पबजी पिज्जा से लेके रेनबो केक एंड एवरीथिंग आई लाइक यू नो लर्न हाउ टू मेक इट ऑल बाय माय सेल्फ ऑफ कोर्स विद हर हेल्प. बट ऐसे नाचो चिप्स भी हमने घर पे बनाया है. सो वी यू नो वी नो नाउ हाउ टू मेक लाइक चीजी रेसिपीज और हेल्दी रेसिपीज. और हमने सब्जियां भी बना के दिखाई थी चैनल पे टू स्टार्ट विद. सो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए. व्हेन यू आर लिविंग अलोन इट्स काइंड ऑफ यू नो कमिंग हैंडी. अभी मुंबई में हम दोनों रह रहे हैं, हमें रेसिपीज पता भी कैसे क्या बनाना है. सेकेंड थिंग आई लव इज कैफे हॉपिंग. लाइक अब मेरी गर्लफ्रेंड्स के साथ भी आई गो ऑन लाइक कैफे डेट्स, तो अब मुझे पता रहता है कि इस रेस्टोरेंट से क्या मंगाना है, कौन सा रेस्टोरेंट यहाँ पे बेस्ट है,
कहाँ पर वैल्यू फॉर मनी का खाना मिलेगा. सो आई लव टू बी दैट पर्सन हु नोज थिंग्स अबाउट कैफेज एंड वो मुझे बहुत मजे आते हैं. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज फूड इज समथिंग जो मतलब इट्स इनग्रेन्ड इन ऑल ऑफ आवर लाइव्स. ठीक है, एंड एवरी वन जो डाइट पे है या नहीं है उसको खाना देखने को मजा आता है. मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना एक बार 6 to 7 kgs रिड्यूस किए थे बिकॉज आई वॉज लाइक ऑन अ क्रैश डाइट और समथिंग. उस टाइम पे आई डिडंट यूज टू टच एनीथिंग प्रोसेस्ड. ठीक है, एंड द थिंग दैट गॉट मी टू स्लीप एट नाइट वॉज वॉचिंग द रेसिपी वीडियोज. तो मैं वो देखती थी, मुकबंग्स एंड ASMRs एंड कुकिंग शुकिंग, जो वो कुकिंग शुकिंग का बनता है, मैं उसकी कढ़ाई पनीर छोले भटूरे ये सब देखती थी. मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आता है, ऐसा लगता था कि वो बना रहा है ना, बस मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया. तो ये एक मतलब ये जो फीलिंग होती है, आई एम एबल टू क्रिएट दैट थ्रू माई वीडियोज, दैट इज क्वाइट एम्पावरिंग एंड दैट विल नेवर गो अवे बिकॉज एनी वन इज ऑन डायट और नॉट ऑन डायट वुड लव टू वॉच दैट टाइप ऑफ कंटेंट. सो दिस कम्युनिटी हैज अ लॉट ऑफ स्कोप. सो आई थिंक दैट इज अ थर्ड थिंग दैट आई लव द मोस्ट अबाउट बीइंग अ फूड ब्लॉगर. अब तो मुझे बताओ, व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट बीइंग अ फूड ब्लॉगर? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई फील इज दैट तुम्हारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बिकॉज सर्टन फूड्स आर रियली रियली एडिक्टिव एंड यू नो उतना लेवल ऑफ कंट्रोल यू हैव टू प्रैक्टिस एंड वो टाइम के साथ ही आएगा आई गेस. बट आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स. द सेकंड थिंग आई फील इज दैट इंडिया में फूड ब्लॉगर्स आर लिटिल लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड. हाँ, मतलब अब्रॉड में देयर इज लाइक अ ह्यूज स्कोप एंड पीपल हु आर एक्चुअली यू नो प्रोड्यूसिंग फूड कंटेंट, दे आर रियली रिस्पेक्टेड एंड एवरीथिंग. आई थिंक क्रिएटिंग एनी कंटेंट क्रिएट अगर कर रहे हैं एंड दे आर गेनिंग गुड फॉलोअरशिप, इट्स वेरी वेल रिस्पेक्टेड आउटसाइड ऑफ इंडिया. इंडिया में भी आई थिंक वो कल्चर धीरे धीरे आ रहा है. एंड द थर्ड थिंग इज दैट वी आर ऑलवेज वर्किंग. वेन यू गो टू लाइक अ रेस्टोरेंट विथ योर फ्रेंड्स या फिर तुम कहीं जा रहे हो बाहर, खाना देख गया ना मेरा कैमरा निकल आता है. हाँ, अच्छा, वैसे, हाँ. खाना ठंडा जाता है, सामने वाला पर्सन गेट्स इरिटेटेड लिटिल बिट. तो दैट्स लाइक अ लिटिल डिसएडवांटेज बिकॉज वी डोंट फील, वी फील लाइक अरे इतनी अच्छी डिश दिख रही है, फोटो खींच लेते हैं, फोटो खींच, वो थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पाता है, अरे नहीं कंटेंट कंटेंट. सो वी आर ऑलवेज वर्किंग एज कंटेंट क्रिएटर्स स्लैश फूड ब्लॉगर्स. सो या दैट इज द थर्ड मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. एंड ऑन दैट नोट, this episode is over. Hopefully आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि food blogger की life कैसे होती है. We will come up with more such episodes really soon. और आप हमें अगले podcast का topic बता सकते हो in the comment section below कि what you guys want us to talk about in the next episode. Till then, like, share, subscribe. Bye bye. Ta-da!